इम्पोर्टेंट जो लगे उसको लिख लिया विजय सामने। वेदों की संख्या चार है, सबको पता है कुछ चीजें जो ना। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? हाँ याद करा देते हैं। जैसे सबसे नीचे अर्थ है देहे व अथर्वेद, वैसे सबसे बाद का वाद अथर्वेद। और सुनो लिखा जाए सामवेद का हो, जैसे सस संगीत सस सामवेद, तो कहा जाएगा कभी संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद। अच्छा जादू टोने का वेद कौन सा? जादू टोना अथर्वेद। सबसे लास्ट वाला सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, बाद का लास्ट में अथर्वेद। कोई दिक्कत? इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। एक बार फिर से चलो, आज हम याद करावे तरीका लेते हैं, बड़ा अच्छा लगे तुमसे। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज के याद कैसे रहे बाद में भूल जाए। एक हो मोहन जोदड़ो और एक हो हड़प्पा। अब मैं आवा था एग्जाम में मिस हो जाए तो बड़ा धोखा हो जाए, कहीं से तुम्हें टारगेट गलत है। हमारे तोरे आवा या ना आवा माई भगवती, अगर एग्जाम में तोरे साथ है सही से आवत बा तब तो कुछ चला। एग्जाम में कबन बोले कैसे मोहन जोदाड़ो और राखल दास बनर्जी, कहीं न कहीं हमें जोड़ा जोदाड़ो और बनर्जी, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना तो जोदाड़ो जय हुंबा बनर्जी में भी। मोहन जोदाड़ो की खोज जब ऑप्शन देगा दयाराम साहनी राखल दास बनर्जी और दो चार देगा तो मोहन जोदाड़ो में राखल दास बनर्जी ही होंगे। जोदाड़ो जय हुंबा बनर्जी। हड़प्पा वाला तब जो बा है वो तो याद ही हो जाए, कहा कि दो जनों में डिस्टर्ब हो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, यह रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने जो खोज की है हड़प्पा की, जो पाकिस्तान में है लगभग, वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर शहर था या भी है। मोहनजोदड़ो का बनर्जी हो गए, ये सिंधु नदी किनारे बसा है। सिंधु नदी भारत से निकलते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है, ऐसे ही तो सिंधु नदी के जस्ट बगल में अपना काम को बसा है मोहनजोदड़ो। और एक जो पिक्चर आई हुई थी अभी जो ऋतिक रोशन वाली, वो सिंधु नदी से संबंधित बातें थी। नाम भी मोहनजोदड़ो था और खोज उसकी राखल दास बनर्जी ने। इतिहासकारों का मानना है कि वह शहर जो था हमसे आज से बेहतर शहर था, यहाँ से जो आज हम जी रहे हैं इससे भी बेहतर शहर था। लेकिन उसमें मुख्य बात यह आती है आखिर ख़त्म कहाँ हो गया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें नदियों में बाढ़ आई, तूफान आया। सबसे ज़्यादा चर्चित विषय यह है कि तीनों नदियों के बाढ़ से ही वह डूब गया, जलमग्न हो गया और पूरी तरह से समाप्त। कौन? सिंधु। अच्छा एक क्वेश्चन और बना है, रोपण कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है? सतलज। बार बार नोट करोगे तो बार बार समझ में आएगा। जैसे आपने एक बार एक्सरसाइज की तो थोड़ा बॉडी में नहीं, बार बार करोगे। रोपण मोहन जोदाड़ो वगैरह बहुत बार पूछा गया, अब वो कम पूछा जाएगा, लेकिन जो नहीं पूछा गया उसको पूछा जाएगा। रोपण सतलज नदी के किनारे सतलज नदी किनारे रोपण। अब ऐसे कहते ना धान उन के रोपाई होत बा है लगावे का है ना, तो नदी के किनारे ऐसा दिमाग में बैठा हुआ कि पानी से संबंधित सतलज नदी जो बना हुआ सतलज दलदली जी से, तो रोपण हम जो है सतलज में कुछ करेंगे। भूलना न जाए इसलिए हम
रोपण को धान की रोपाई से ले रहे हैं, सतलज नदी को एक दलदली स्थान की तरह ले रहे हैं रोपण। इसकी खोज किसने की थी? लिख लो, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा यह तो ऐसे लिख लिया है, प्रमुख स्थल उत्खनन करता नदी ना, प्रमुख स्थल उत्खनन करता नदी, जिसमें हमने बात की है, बार बार कहेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो वाला याद हो गया, राखलदास बनर्जी कभी भूल न जाए। और यह है, राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा की किसी खोज की थी? राखलदास बनर्जी ने, अभी हम लोगों ने मोहनजोदड़ो की। अच्छा, ये पीछे लगभग मोहनजोदड़ो कोई राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु कैसे याद किए थे? यह है लगभग सिंधु के बारे में बात भी मोहनजोदड़ो में किया है सिंधु नदी। और एक जो इम्पोर्टेंट था, रोपण, रोपण को हमने याद किया कैसे? सतलज नदी से। देखो, सतलज सिंधु कनेक्शन भी हो रहा है, भूल न जाए। रोपण सतलज नदी के किनारे है, इसकी खोज कितनी कोई शर्मा थे। शर्मा भी दिमाग में रहा है तब भी लगा लो, रखने वाली चीज़ है भैया जी, थोड़ा बहुत समझने वाला। रोपण की कौन हो गए? यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ किया इन्होंने एक प्रकार से दिमाग में बैठा ये, और उसके बाद रुपाई का काम किया पहले के जमाने में। और एक है, याद कर लिया जाए, चन्हूदड़ो, 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 यह है सिंधु नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो दोनों एक साथ मिल रहे हैं। और ये पूछेंगे तो, जब आपका कंपटीशन में दो अंकों से नहीं होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन मिस करता है। अरे आ रहा था लेकिन चन्हूदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक, अगर चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है तो इसकी खोज किसने? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, इसको अभी याद कैसे कर लिया, कुछ कनेक्ट कीजिए आप लोग, कुछ कीजिए। तन्हूदड़ों को तो सिंधु नदी नहीं भूलेंगे, सिंधु नदी तन्हूदड़ों को तो नहीं भूलेंगे, मोहनजोदड़ो भी नहीं भूलेंगे, सिंधु ही है, चन्हूदड़ो हो गई। चलो, और एक हड़प्पा हम लोगों ने पढ़ा, तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है। अब सोचे किसके किनारे बसा? हाँ, रावी के किनारे बसा था, कभी हम लोग पढ़े थे, देखिए जरा, रावी ही है। हड़प्पा छोटा नाम है, हड़प्पा, बाकी मोहनजोदड़ो वगैरह बड़े नाम हैं। और नदी भी छोटी है, रावी नदी। कहाँ से? हड़प्पा, दस दयाराम सहनी, रस रावी, हदरा नाइट, हैदराबाद, हैदरा, कहाँ से? हड़प्पा, दयाराम सहनी, रावी नदी। हाँ, ये भी आपकी बात है, हैदरा। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा, दस दयाराम सहनी, रस रावी नदी, ये तीनों के तीनों हो गए। बस और कौन सा याद है आप? चन्हूदड़ो भी हम लोगों को याद हो गया, गोपाल मजूमदार थे। चलिए ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीन सही तीन। हाँ, ये हो गया। हेन सांग कौन था पता है आप लोगों को? हर्ष हेन सांग, हसे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय में हेन सांग आया था।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही पूछता है, ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था? हर्ष ह्वेन, हर्ष हर्षवर्धन। कुछ अभी इम्पोर्टेंट पूछा था महाजनपदों के नाम, अभी हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं इस तरफ से, नहीं जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको लपेट लो, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक में है। लिखना अपना काम है, याद करना अपना काम है ना, ये नहीं कि नहीं एक तरफ से सब चीज़ें इसी में कवर होती जाएंगी, पहले इम्पोर्टेंट लिख लिया जा रहा है कि पढ़ना पूरी किताब को ही ये नहीं। चलो एक काशी का नाम क्या था पहले, वाराणसी ये पूछा हुआ था। कौशल, कौशल एक देश था उस समय, जैसे छोटे छोटे राज्य थे उनको देश बना दिया गया था, कौशल को ही श्रावस्ती कहा जाता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? लिखना सांख्य दर्शन के कपिल, दर्शन के प्रवर्तक, प्रवर्तक कपिल, कपिल मुनि है, मुनि का नाम है। एक जैसे होता है ना, पहले एक धर्म प्रकार के था उस समय में लोग, सांख्य दर्शन वो, और एक था न्याय दर्शन। नीचे न्याय दर्शन को गौतम जैसे थे। कभी लिखे थे कोई बात नहीं।